नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ मैं पहुंच ही रही हूँ, बस निकल रही हूँ। बहू जी, बाबू जी, एक कप चाय और दो ना। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? सुना नहीं तुमने क्या कहा इन्होंने? जा जाके चाय बना। अरे हर्ष, अच्छा हुआ आ गया तू। आ बैठ। आंटी ले, तीन पत्ती उठा ले। तुम चलती हो तो कयामत ठाती हो। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी है कि डूब जाने का मन करता है। तुम्हारे होठों को मैं छूना चाहता हूँ, बहुत रसीले हैं। अरे जब देखो तब फोन में लगा रहता है। ले उठा तीन पत्ती। चाय पिएगा बेटा? अरे बहू, हर्ष के लिए भी चाय बना देना। ले। ये क्या किया तूने? कल मुहिर करम जली जब से इस घर में आई है नुकसान किए जा रही है। बाप तो अभी भी दहेज का 2 लाख पैसा नहीं दिया है और तू हमारे घर में आकर नुकसान कर रही है। अरे भगवान, क्या सुबह सुबह कचकच चालू हो गई है? चलो इधर आओ। भाभी दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। नहीं नहीं हर्ष, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। ठीक है भाभी। अरे बहू चाय ला ना। हाँ बाबूजी। बहू, बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों का लिहाज कैसे किया जाता है? मेहमान नहीं है वो, ससुर जी है तुम्हारे। चाय लेके हाथ में दो। खड़ी क्या है? जा। जल्दी आओ, ऑफिस के लेट हो रहा है मुझे। अरे भाग्यवान, ये जो तुम्हारी जुए की आदत है ना, ये लत बनती जा रही है, थोड़ा संभालो इसको। क्या बोला आपने? अरे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, तुम ढूंढोगे प्लीज? मैं फाइल डाल लेता हूँ। लीजिए। थैंक यू। जब से
इस घर में आई है, नुकसान किए जा रही है। तेरा बाप तो अभी भी दहेज का 2 लाख पैसा नहीं दिया है। दाना, क्या हुआ? अच्छा, मैंने कुछ कहा ना? आप उनको समझाते क्यों नहीं? हर रोज मुझे ताना देती रहती। तुम तो जानती हो ना माँ दहेज को लेकर कितनी सख्त है, और तुम्हारे पापा ने भी तो माँ से वादा किया था ना कि वो कुछ टाइम बाद दहेज दे देंगे। अब एक बार तुम्हारे पापा ने माँ को दहेज के पैसे दे दिए, सब कुछ सही हो जाएगा। माँ तुम्हें बेटी की तरह रखेंगी, दिल की बुरी नहीं है वो, देख लेना। पर मेरी हर महीने की सैलरी मैं तो घर में ही देती हूँ ना, फिर पापा को परेशान क्यों करना है? आपको पता तो है पापा दिल के मरीज हैं, भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो गया तो। ठीक है बाबा, मैं माँ से बात करूंगा और तुम्हारे पापा को दहेज के लिए थोड़ा और वक्त दिलवाऊं। तो खुश हो जाओ। देखो वैसे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो जब तक तुम हंसोगी नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। एक बार हंस दो। चलो मैं फाइल डाल लेता। कितना कह रहा होगी, तुम्हारे सामने तो चांद भी फीका है, अब और नहीं रहा जाता। अमल वो आजकल यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, तो बाकी घर की बात घर आकर करेगा, अभी मुझे निकलना होगा। अच्छा सुनो, अगर आज की प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई ना तो प्रमोशन पक्का। तुम भगवान से मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि भगवान तुम्हारी बहुत जल्दी सुनता है। तुम्हारी भी थोड़ी सी सिफारिश कर दो। थैंक यू। हाँ भाभी, वो ऑफिस के लिए देरी हो रही थी इसलिए। चल अच्छा ही हुआ तू आ गया। अच्छा नैना, मैं मिलता हूँ। चल प्रणाम पापा। हाँ, खुश रहो बेटा। कैसे हो आप? और दवाई तो टाइम पे ले रहे हो ना? मैं ठीक हूँ, दवाई भी वक्त पर लेता हूँ। और वहाँ सब ठीक है बेटा? हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बेटा सुधा जी से कहना कि मैं दहेज के पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। पापा मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, अमन ने कहा है कि वो अपनी माँ से बात करेंगे, और प्लीज आप फिक्र मत करिए। बेटा तो खुश तो है ना? बहू जरा यहाँ ना। पापा लगता है बाबूजी बुला रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ, अब अपना ख्याल रखना ठीक है? ठीक है बेटा, खुश रहो। बाय। अरे बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बेटा अदरक की चाय के साथ पकोड़े खाने को दिल कर रहा है, वो बना रहा हूँ। तो लाइए ना, मैं कर देती हूँ, आप क्यों कर रहे हैं, लाइए। नैना हरा धनिया में काटता हूँ। बाबूजी मैं कर लूंगी, दीजिए ना।
बाबू जी आप जाइए ना, बाहर बैठिए आराम से, मैं करके लेके आती हूँ। देखो सुधा की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। वो क्या है ना, अगर कोई वायदा करता है और उसको पूरा नहीं करता है ना, तो वो बुरा मान जाती है और फिर अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बकने लगती है। बाबू जी मैंने पापा से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे कहने के लिए कहा है। ठीक है, मैं सुधा को समझा दूंगा। तुम देखो तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल बताओ है ना। और हाँ मैं इंतजार करूंगा चाय और पकौड़ों का। आ गए आप, कैसा रहा आपका प्रेजेंटेशन? जैसा होना चाहिए था एकदम बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अमन आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, वो कुछ दिनों से कोई मुझे गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। मेरी बीवी है इतनी खूबसूरत? अरे कोई मजाक कर रहा होगा यार। आप मेरी किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? ये मजाक नहीं है, सच में मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? देखो हर परेशानी का एक सॉल्यूशन होता है और इसका तो बहुत सिंपल है। लाओ मुझे अपना फोन दो। अमन ये वाला नंबर। हो गया ब्लॉक। देखो कितना सिंपल था, अब मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करेगा। अब खुश? अब तो मुस्कुरा दो। चलो आज ना मूवी देखने चलते हैं, कितने दिन हो गए हम लोग गए भी नहीं। मैं मम्मी से पूछ के आता हूं। पति से कहकर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया? तुम्हें मेरे फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं? इतनी तारीफ करता हूं मैं तुम्हारे सुंदरता की। बहू को मूवी लेके जाएगा, क्या जरूरत है मूवी ले जाने की? जब तक दहेज के रकम नहीं आ जाते तब तक कहीं नहीं जाएगा तू। पैसे आ जाएंगे फिर उड़ा पैसा। लो आ गई महारानी, मुंह पे हमेशा 12 बजे रहते हैं और पैसों का नाम सुन के देखो कैसे मुंह बना के खड़ी है। आप ही की पसंद की है ना ये? अरे कितने बड़े बड़े रईस घराने से आ रहे थे रिश्ते मेरे बेटे के लिए, दहेज देने वाली लड़की, लेकिन आपकी जिद की वजह से ये भिखारन आई मेरे घर में। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप, पापा ने शादी में भी तो पैसे दिए थे ना, अब बस 2 लाख के पीछे। जुबान लड़ाएगी मेरे से? आंखें नीचे कर। दूर रहिए आप, इसकी तरफदारी कोई नहीं करेगा। चल निकल मेरे घर से, चल बाजी, चल अमन, बाबू जी, चल माजी छोड़ी, चल मेरे घर से बाबू जी, निकल अमन, निकल। माँ सुधा रुक जा, मैंने कहा छोड़ो, जब नाना ने कहा है कि पैसे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें घर से निकालने क्या जरूरत है? हमारे बेटे की वाइफ है वो, हमारी बहू है। अमन
वो कौन तो लिखेगा? जी कौन? अरे गुस्सा थूक भी दो यार, अब इतना आसान नहीं है हमें। आपके सामने इतना कुछ हो गया, आपकी माँ ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया, पर आप एक शब्द तक नहीं बोले। क्या करता मैं बताऊँ? माँ यार वो मेरी, अब अगर उनके सामने तुम्हारी तरफदारी करता मैं गलत बन जाता, पर बाबूजी तो थे ना वहां पे, मुझे पता था वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यार बचपन से ऐसा ही होता है, माँ की चलती है इस घर में। बचपन में जब भी माँ मुझे मारती तो पापा कुछ भी नहीं कहते। तुम ना रहने। अरे यार मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ माँ का स्वभाव तुम्हें समझा रहा था। अब देखो, जितनी जल्दी तुम्हारे पापा मम्मी को दहेज के पैसे दे देंगे उतनी जल्दी इस घर में सब कुछ सही हो जाएगा। मम्मी तुमसे सही से बात करने लगेगी और इस घर में फिर से शांति होगी। अच्छा अब तुम्हें वैसे कब तक मूड खराब करोगी? हंस दो थोड़ा सा। हाँ खुला है, घर में इतना अंधेरा क्यों है? माची माची को तो घर में ही होना चाहिए था, उनसे मेरी बात भी नहीं हुई कहीं जाने को लेकर। लाइट ऑन करती हूँ। तुझे पता है क्या हुआ आज मेरे साथ? मेरी सहेलियां मिली, खूब बातें भी हुई, मैंने ताश भी खेले, सबकी बहुएं मिली। पहले मैं कितना पैसा जीतती थी अपने ताश में, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। जब से तू आई है मेरे घर में, मेरे तो कड़ों में फूट गए। सबकी बहुओं ने कितना दहेज लाई है, घर गाड़ी बंगला विदेश ट्रिप, और मेरा तो 2 लाख रुपल्ली के लिए नींद और चैन तेरे बाप ने छीन लिया है। तुझे पता है सब हंस रहे थे मेरे ऊपर, सबको लगता है कि मेरे बेटे में खोट है। इसके लिए बिना दहेज की शादी की मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे की, खर्चा में डूब गई हूँ मैं। अरे बाहर जाती तो रोज रोज नए बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ जी ये हार मत लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी,
की हार मुझे वापस कर दीजिए। नन्ना बेटी, मैंने थोड़े से पैसों का इंतजाम कर लिया है, बाकी के भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तुम कहो तो मैं उतने पैसे लेकर दे दूं। अभी क्या हुआ बेटी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, अब मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं रोज रोज की जिल्लत और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। माँ जी हर रोज मुझे पैसे के लिए ताना मारती। पापा प्लीज, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा। बेटी, शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। सुन रही है ना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। नाना? अमन! क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? जल्दी सब कुछ ठीक होगा, मैं माँ को समझाऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्या हुआ अमन, आजकल बहुत परेशान से रहता है, सब ठीक है ना भाई? यार बस घर के चिक चिक को लेके बहुत परेशान हूं। माँ दहेज को लेके बहुत घर में तमाशा करती है, नैना मुझसे परेशान रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मां को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। ये क्लाइंट का मेल आया है, पर ये अटैचमेंट ओपन क्यों नहीं हो रहा, तू देखना। हाँ ला। ये ले, हो गया। अरे हो गया? हाँ। दादी का? चल थैंक यू यार, चल मिलता हूँ। ओके। जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा हूं, तैयार है ना? ये वीडियो उसके पास कैसे आई, अमन को बताना पड़ेगा। क्या होगा, ये भगवान।
सुधा, एक तारीख से दो दिन पहले मैं तुम्हें महीने का खर्चा दे रहा हूं, इनको जुए में मत उड़ाना, समझी? अरे वाह, इसमें मेरे जुआ की बात कहां से आई? घर के इतने खर्चे बढ़ गए हैं, उसमें मैं क्या कर सकती हूं? नैना, नुकसान करने की आदत में जाएगी नहीं। क्या हुआ? अरे अरे अरे, अरे क्या हुआ नैना? अरे सुधा, तू पागल हो गई है क्या? कम से कम जख्म ऐसे दो जो किसी को नजर ना आए। अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो तुम खुद तो जेल जाओगी, मुझको भी जेल की सैर करवाओगी। मरी तो नहीं ना? और हाँ, उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उसके बाप को डराने का इरादा था मेरा, ताकि अपनी बेटी का ये हालत देख के जल्दी से पैसा भेज देगा। देखो सुधा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम जख्म ऐसा दो जो किसी को नजर ना आए। अगर उसने किसी को बता दिया तो? किसी को नहीं बताएगी वो, ऐसा खौफ है, किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी वो। बस अपने बाप को बता दे, फिर उसका बाप जल्दी से पैसा लेके आ जाएगा यहाँ। अरे अमन बेटा, बहू को ज्यादा लगी तो नहीं ना? वो गलती से मेरे पैर उसके हाथ पे आ गए थे। बाबूजी, मैंने पट्टी बांध दी है और डॉक्टर से भी बात हो गई। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। इतने दिनों से तुमको देखता था बस, आज मौका मिला है तुम्हारे पास आने। तुम चलती हो तो कयामत ठाती हो। हो गया ब्लॉक, अब मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करेगा। अब खुश? देना, इस दिन के लिए मैं कब से तरस रहा था, पर तुमसे मिलने के लिए दिल मचल रहा था। देखो आवाज नहीं है। अच्छा ये बताओ, इसमें गलत क्या है? देखो मैंने तुम्हें पसंद किया, तो क्या मैं पसंद का इजहार भी ना करूं? तुम फिजूल में डर रही हो। अच्छा अगर तुम चिल्लाओगी ना, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सुधा तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, समझी? और कोई तुम्हारी बात का यकीन भी नहीं करेगा। अच्छा देना, अपने पापा के बारे में सोचो, उनके ऊपर क्या बीतेगी जब उनको पता लगेगा कि उनकी शादी शुदा बेटी घर में आ गई है। लोग उनको तानों से मार देंगे, समझे? मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम फिजूल में डर रही हो। छोड़ो मुझे। अरे फिर से कुछ गिरा क्या? रुक, आ रही हूं। अरे हाँ, अगर मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब पता होना चाहिए कि उनके बाबूजी की नजर मुझे लेकर कितनी गंदी है। पता नहीं कल वो क्या कर जाए। नहीं, आज अगर ऑफिस से आ जाएंगे मैं उन्हें सब बता दूंगी।
अमन, एक बात करनी थी। बोलो। अमन, मुझे पता है कि वो मैसेज मुझे कौन भेज रहा है। कौन? बाबूजी मुझे वो मैसेज भेज रहे हैं। तुम्हें पता है, आज जब दोपहर को मैं कमरे में अकेली थी, मुझे अकेला पाकर वो कमरे में आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ मैंने वो जग गिरा दिया, जिसकी आवाज सुनकर माजी की आवाज आई और बाबूजी यहाँ से चले गए। पर चाहते चाहते उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं शट अप। पता भी है कितना घिनौना इल्जाम लगा रही है बाबूजी पर। अरे तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। माँ ने तुम्हें दो गालियां क्या दे दी, तुम उसके बदले बाबूजी पर। छी यार, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती। उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती तुम कम से कम। बाबूजी हमेशा तुम्हारी साइड लेते हैं, तुम्हें हमेशा माँ से बचाते हो, तुम दहेज ना देना पड़े इस चक्कर में उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हो। छी यार छी, तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। तुमसे चप्पल कहाँ है मेरी? कोई भी चीज इस घर में जगह पे नहीं मिलती है। देखो यहाँ पड़ी है चप्पल। अरे बेटा, बहू को बोल देना रात के खाने में खीर पूरी और आलू की सब्जी बना दे। बहू को लग गया था तब तो गोद में उठा लिए थे और मुझे घसीट के लाए यहाँ पे। अपना वजन देखा है, झेल पाऊंगा मैं? नहीं, लेकिन हुआ क्या है माँ? पैर में कुछ चुभ गया है बेटा। बहू जी, क्या हुआ माँ जी को? जरूर इसी ने कांच का टुकड़ा जानबूझ के छोड़ा होगा ताकि मुझे लग जाए। मुझे मारना चाहती है ये। है ना? तुम जाओ अंदर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मेरी माँ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हो जाएगा ठीक। हेलो, सर एक्चुअली मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी वो बेड रेस्ट पे हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैं कुछ दिनों बाद ही ऑफिस आ पाऊंगी। हाँ सर, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट घर से ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ और लीव एप्लीकेशन भी मेल कर दूंगी। हाँ सर, थैंक यू। अरे वाह, तब तो मेरा शिकार 24 घंटे मेरे सामने। क्या करूं मैं? नैना, नैना प्लीज दरवाजा खोलो। बाबूजी, बाबूजी मैंने अमन को सब बता दिया। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? विश्वास किया या थप्पड़ मारा?
बोलो नैना, मुझसे कब तक दूर रहोगी तुम? बाबू जी बस करिए, कम से कम हमारे रिश्ते का लिहाज तो करिए। आपकी बहू हूँ मैं, बेटी जैसी। बेटी तो नहीं हो ना? अच्छा नैना छोड़ो, बाहर आओ। नैना बाहर आओ। अमन नहीं है, तुम्हारे पापा हैं। उनको हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो? एकदम चुप, बिल्कुल शांत। हेलो जी समधी जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। नैना, वो नैना किचन में काम कर रही है। हाँ जी बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है जी। नमस्कार। देखो नैना, अब बहुत हो चुका, ये नखरे बंद करो वरना तुम्हारा वीडियो सबको भेज दूंगा मैं। वो क्या कहते हैं ना, वायरल कर दूंगा मैं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुमको मेरी भाव में आना ही है। जा रहा हूं मैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर में? जब से आई कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ससुर जी मुझे ऐसे देखते हैं, ऐसे छूते हैं। छी, आज तो आते हो गए मेरे कमरे में आ गए, बाथरूम तक। अगर मैं बाथरूम में नहीं जाती तो क्या होता? अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन प्लीज तुम इस बार मेरी बात का यकीन करना। आज दोपहर को बाबूजी फिर से मेरे कमरे में आए थे और मैं भागकर बाथरूम में छिप गई। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। तो प्लीज मेरी बात का यकीन करो। चुप, बिल्कुल चुप। इतनी नीच कैसे हो सकती हो आप? अरे मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे माँ बाप को बख्श दो बस। सही कहती है माँ, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल अभी के अभी, सामान बांधो और निकलो यहाँ से, समझे? चल फर हाज के बाद। अमन बेटा जरा यहाँ ना। अमन अमन प्लीज मेरी बात सुनो। अमन पापा, हेलो पापा, आप मुझसे नहीं साझा। बाबूजी मेरे साथ बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। पापा अब मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ, अब मैं तुझे उस नरक में नहीं रहने दूंगा। नैना दरवाजा खोलो। पापा पापा प्लीज जल्दी आ जाइए पापा। नैना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? एक बटन दबाऊंगा और तुम्हारा ये वीडियो पूरी दुनिया में चला जाएगा। नैना दरवाजा खोलो।
नैना दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अमन को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर बाऊजी की करतूत सबके सामने आनी चाहिए। अमन के लिए तुझे देखने गया था ना, मुझे तो तभी पसंद आ गए थे। तब से लेके आज तक एक एक दिन कैसे गुजारा है मैंने, ये मैं ही जानता हूँ। बाबूजी, अमन को मैंने अपने दोस्त के यहाँ भेज दिया है, एक घंटे बाद आएगा। बाबूजी, आप लोग इस वक्त बाबूजी मत करिए ऐसा। बाबूजी, 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 बाबूजी प्लीज मेरी बात सुन। आइए प्रसाद, यही है वो। पुलिस यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? तू कहाँ गया था अमन? बाबूजी ने किसी काम से भेजा था मुझे। बाबूजी प्लीज मुझे। हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? पापा मुझे बचाइए, बचाओ। अच्छा तुम लोग आए। अमन देखो, ये तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या कर रही थी? एकदम चुप, कौन क्या कर रहा था वो हमने देख लिया। सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर इस आदमी ने दो बार मेरा रेप करने की कोशिश की। चुप कर झूठी। इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है लड़की, हमेशा किसी न किसी बहाने हम सबको फंसाने की कोशिश करती रहती है ये। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, मेरे बाबूजी ने कुछ नहीं किया होगा। अमन, तुमने कब मेरी बात का यकीन किया है? पर आज मेरे पास सबूत है, तुम देखना चाहोगे तुम्हारे बाबूजी कितने घटिया और गिरे हुए इंसान है। हटो। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इनकी घटिया करतूत। कांस्टेबल चरणजीत और सुधा को अरेस्ट करो, इनके खिलाफ अशोक जी ने दहेज लेने का आरोप भी लगाया है। और हाँ अमन जी, आपको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए आना होगा। नैना, हो सके तो मुझे माफ करना। चलो लेके चलो इन सबको। एक मिनट रुकिए, ये मेरी माँ का हार है, इसे पहनने का आपको कोई हक नहीं। दीजिए मुझे, दीजिए। हेलो रोमिल, रोमिल मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ।
तुम प्लीज पिछली सारी कड़वी बातें भूल जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं मेरी दुगनी उम्र वाले इंसान के साथ कैसे शादी निभा सकती हूँ? प्लीज मेरी बात समझो रोमिल मुझे। हेलो हेलो रोमिल, अरे वाह, हमारा स्वागत फूलों से किया जा रहा है। प्यारी खुशबू है ना फूलों की, क्या बात है? ये फूलों की सजावट पसंद नहीं आई या पति पसंद नहीं आया? समझ गया, कमलेश। हाँ चाचा। तेरी चाची को ये फूलों की सजावट पसंद नहीं आई, क्यों की तूने इतनी गंदी सजावट? नहीं, मतलब मुझे ये सजावट पसंद आई। अच्छा, तो तू क्यों खड़ा यहाँ पर? जा, जा जल्दी। आज हमारी स्वागरात, एक काम करो, तुम घूंघट ले लो, मैं चटकनी लगा कर आता हूं। अंकिता, अरे डर क्यों गई? मैं हूं तुम्हारा पति। अच्छा सुनो, तैयार होकर के ना बाहर आ जाओ, तुम्हारे मौसा रमा कांची आए हैं तुमसे मिलने के लिए। अंकिता, मुझे ना तुम्हारे जैसा खूबसूरत बेटा चाहिए तुमसे। असली चांदी का है रमाकांत जी। अरे उदय नमस्कार, वो तो बस ऐसे ही। और बताइए कैसे आना हुआ? जी वो कुछ नहीं, आज सुबह 5 बजे अंकिता का रोते हुए फोन आया, मेरी वाइफ ने कहा कि एक बार हो कराओ। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों की, हाथ में मोबाइल फोन क्या आ गया,
हर छोटी से छोटी बात इनको अपने मायके वालों को बतानी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही बात मैंने अपनी वाइफ को बोली। वो क्या है ना, पिछले साल अंकिता के माता पिता कोविड की वजह से नहीं रहे, पर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं। अब आप बताइए, हम अपने बच्चों को देखें या इसे, इसलिए जल्दी जल्दी शादी करा दी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, ठीक हो जी? वैसे हमारी अंकिता बड़ी गुनी और भरी लड़की है, आपके घर को संभाल कर रखेगी। अरे उदय जी कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए एक मिनट रुकिए जी। ये लीजिए। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी, काफी महंगी है, आपने कहां से ली? अब आप इस पर मत दिमाग लगाइए कि मैंने कहां से ली, आप तो ये सोचिए कि मैंने आपको दी क्यों है। समझ गया, अब कोई भी फोन आया ना तो मैं बिल्कुल इधर नहीं आऊंगा, और अगर आप आ गए ना तो वो जो 2 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे ना फिर आपसे वापस ही ले लूंगा। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा अंकिता बेटा चलता हूँ। अरे मौसा जी चाय तो पीकर जाइए। नहीं बेटा दुकान के लिए देर हो रही है। तेरा मोबाइल देना अपना। अगर आज के बाद तुमने मुझसे पूछे बिना अगर किसी को कॉल किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंकिता अंकिता देखो, मेरी दूसरी पत्नी विभावरी मुझे यहां पर रोज बाय बोलने के लिए आया करती थी। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर, मैं उसे नहीं बचा सका। अब मेरे वंश को आगे बढ़ाने की और इस जिम्मेदारी को निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तो इसलिए इसको ना तुम बखूबी निभाना। अंदर जाओ, मुझे ताला लगाना। ताला क्यों? इससे मेरी संपत्ति सुरक्षित रह सके और उस पर कोई नजर न डाल सके। कहाँ तुझे कितनी बार कहा ना ये गंदे कपड़े पहनकर मेरी गाड़ी में मत बैठा कर। लूजर बाप का लूजर बेटा, चल जा बस में बैठ कर। क्या कौन है वहां पर, कौन है?
रोमिल, तुम मुझे छुड़ाने आ गए? अंकिता, समुद्र के चाचा आराम से आइए, आराम से चाचा सो। अंकिता क्या है तेरी? चाची अभी बुला के लाता हूं मैं। चाची, 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 चाची आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ चाची, रो क्यों रही है? नहीं समझी। मुझे बताइए तो सही, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? कुछ एक बार बताकर तो देखिए, मैं चाचा को नहीं बताऊंगा। सच्ची तुम्हारे चाचा से मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। पता है मुझे, वो आप पर जुल्म भी कर रहे हैं। अगर कर भी रहे तो तुम क्या कर लोगे? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। सच्ची तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए। अंकिता, मेरी प्यारी प्यारी बीवी कहाँ पर छुपी हुई है? ये देख लेगी ना, कितना प्यारा गजरा लेकर के आया। ये गजरा ना प्यारे प्यारे बालों को महकाने के लिए ना बेकरार हो रहा, बेकरार। और फिर लुधपुर के सबसे बड़े वाले होटल से खाना उन्हें करा। चल 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 कर खाते हैं। चल 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 हम कुछ समझ सकते हैं, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने फंश को इस दुनिया में लाएंगे और फिर खाना खाएंगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाकर के प्लेट लगा। और सुन, जाते जाते ना और कुंडे लगा देना। अंकिता, अंकिता जी, मेरी सोने की अंगूठी यहाँ रखी थी, देखो जरा एक बार टेरिस पर तो नहीं है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, जी मेरा नाम ज्योत्सना है। मैंने आपको कहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा, मैं सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ। स्त्री आरोग्य योजना के तहत काम से आई थी। आपकी पत्नी से बात करनी है? नहीं, अब मेरा मतलब है जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। शहर प्राधिकरण की तरफ से हर विवाहित स्त्री का बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो इसके लिए आयरन की गोलियां बांटी जा रही हैं। बस इसी सिलसिले में बात करनी। तो ऐसे कहिए ना आप। अंकिता, अंकिता,
आइए देखिए इधर आइए, इनसे मिलिए। ये आपकी पत्नी है, उम्र में काफी फर्क है आपके बीच। बिल्कुल सही जवाब। दीजिए दीजिए जल्दी से गोलियां दीजिए। कौन सी गोलियां देनी है? अरे ऐसे कैसे, अभी तो इन्हें पूरी जानकारी देनी है और फिर फॉर्म भी तो भरवाना है। जी जी बस पहुंच ही रहा हूँ। आप एक काम कर सकती हैं, आप अगर कल आ जाएं और सारी जानकारी कल दे दें और कल ही अगर ये फॉर्म भरवा लें। दरअसल मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं पहुंचना है। आप जाइए, वैसे भी जानकारी तो मुझे इन्हें देनी है। हाँ आप जाइए ना, आपको लेट हो रहा है ना। ठीक। अच्छा अंकिता, वो अगर अंगूठी मिले ना तो देखना जरा। जी आई। लाइए चाचा जी बैग में, गाड़ी में रख दो। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, अभी जो एक औरत आई है ना अंदर, उस पर जरा नजर रखना, और जब वो चली जाए तो ये ताला लगा करके ये पकड़ो पैसे, रिक्शा पकड़ करके तुम ऑफिस आ जाओ। ठीक है चाचा जी। जी ठीक है मैं समझ गई। अच्छा आप चाय लेंगी या कॉफी? मैं ना तो चाय पीती हूँ और ना ही कॉफी, पर अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो मैं नींबू पानी ले लूंगी। बिल्कुल। कमलेश जरा मार्केट जाकर नींबू ले आना। जी मैं आती हूँ। जी जी बिल्कुल। और कोई भी परेशानी हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बेझिझक फोन करिएगा। जी ठीक है। अभी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वो वॉशरूम। एक मिनट, तुम्हें तुम्हारे चाचा जी ने कहा ना कि तुम मुझ पर नजर रखो? नहीं मतलब हाँ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तुम किसकी मदद कर रहे हो, और अब तुम जाओ और वो करो जाकर जो तुम्हारे चाचा जी ने तुमसे कहा। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए आप। क्या है? मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आने वाले कुछ दिन में चाचा जी आपके आसपास तक नहीं आ पाएंगे। अच्छा तुम सच में ऐसा कर सकते हो? 100%। थैंक यू कमलेश। रुको, तुम बस अपना वादा पूरा करो। आप बस देखती जाइए।
अरे चलो इन्हें लिटा देते हैं। हाँ। जिस कुत्ते ने भी मेरी गाड़ी के आगे पाइप लगाया है ना, मुझे मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयां लिखी है और कहा है कुछ दिनों तक हलचल नहीं करने का। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है, अब मुझे क्या मिलेगा? बना के रखा है तूने मुझे, अभी अभी तेरी एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके आया हूं। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और उस दिन मैं तुझे नौकर नहीं बनाऊंगा, दुमिला था कुत्ता बनाऊंगा, कुत्ता। जल्दी ठीक कैसे हो गए? हाँ खोया हुआ है तू कल से। वो पिछली चाचा इधर आ। वो
पता लगा कल पाइप और रेत किसने लगाए थे जब आप गाड़ी के पास? नहीं चाचा, वो इतने सारे लोग होते हैं रोड पे, कैसे पता चलेगा किसने रखा? मुझे पता है, मुझे सब पता है तुमने कल रात में क्या क्या किया। पर ये बता, मेरे इतनी चोट लगी थी और तू मुझे मेरे बेडरूम में छोड़ने की बजाय क्या सोफे पे लिटा के चला गया? जी वो डॉक्टर ने बोला था कि आपको मुलायम गद्दे पर सुलाना है, और फिर हमारे बेडरूम का गद्दा तो कड़क है ना। बेडरूम का गद्दा भी बदलना ही पड़ेगा। तू क्यों आया यहाँ पर? वो हाँ, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, कल रात मेडिकल स्टोर बंद था तो अभी लेके आया हूँ। लीजिए, खा लीजिए। नहीं दे, रहने दे। आप ठीक हो? चाची आप ही समझाइए ना, ये दवाइयाँ कितनी जरूरी है। ये दवाई खाने से नींद आती है, और इस हालत में नींद कितनी जरूरी है आपको। हाँ सही तो कह रहा है, और आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। इतनी छोटी सी तो गोली है, झट से खा लेंगे आप। ये लीजिए। अच्छा तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। ये लीजिए। खड़ा है यहाँ पर, जा तू जा। अंकिता कि मैंने टेरेस पर कपड़े सूखने के लिए डाले, मैं लेकर आती हूँ। चलो भैया, आज बीवी के साथ तो मैच नसीब में दिख नहीं रही, टीवी पर ही मैच देख लेते हैं। इस बार ऐसा लगा कि ओवर रन कर गए हैं, पर जी नहीं, चार रन मिले हैं। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल, वन बाउंस चौका, इनके जैसा कोई हार्डिच नहीं है। अगला स्टंप्स कितना अच्छा संपर्क, ज्यादा अच्छा लगता नहीं जी। नीचे है फील्डर, पर सिंपल लगवाया एक बार। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। खाते में ज्यादा रन नहीं है, कदमों का इस्तेमाल किया मिथुन ने, पीछे अच्छा कैच, पैर को भूलिए, विकेट है, बढ़िया ये कैच। ये गेंद भी जरूर ऊपर गई है, कमलेश तुम दरवाजे से आए हो? नहीं, मैं छत पे चढ़ा, फिर सीढ़ियों से सीधा उतर के आपके लिए आया। मेरे लिए? हाँ। और अपने लिए नहीं? क्या तुम्हारा और क्या मेरा, ये सब हमारा ही तो है। सब? हाँ। ये गाड़ी भी, ये घर भी, सब? ये सब हमारा है। तो फिर अपने ही घर में चोरी क्यों करते हो? अपने पॉकेट से कुछ निकालने को चोरी नहीं कहते अंकिता। पर ये तो तुम्हारे चाचा जी की पॉकेट है। हाँ, मगर ये पूरा सच नहीं है अंकिता। हमारे पिताजी ने गांव की जमीन बेच के चाचा जी को बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे दिए, और ये तरक्की सिर्फ चाचा जी की नहीं है, मेरा भी उतना ही हक बनता है। और वैसे भी चाचा जी के बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी ही तो है, और जिस पे मिलके मैं और तुम राज करेंगे,
राज। अरे रुको, वो आ जाएंगे। नींद की गोली का असर 2 घंटे तक रहता है। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी थी, कल रात मेडिकल स्टोर बंद था तो अभी लेके आया हूँ, नीचे खा लीजिए। दूर मत जाओ ना। छोड़ो ना, बहुत देर हो गई है, वो जग जाएंगे। जी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख चुका हूँ। पति बाहर सो रहा है और यहाँ भतीजे के साथ रंगरेलियाँ बनाई जा रही हैं। देखिए मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी चाची के साथ संबंध बनाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसी बात नहीं है मौसा जी। एक मिनट, तुम यहाँ दिन दहाड़े मजे कर रहे हो, उदय बाहर आराम से सो रहा है, आखिर चक्कर क्या है? वो क्या बताओ बताओ, वरना मैं जाकर अभी उधर। नहीं मौसा जी प्लीज, आप चाचा जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। हमने उन्हें नींद की गोलियां दी है। वाह, बहुत पहुंचे हुए तुम दोनों तो। ठीक है, मैं अभी जाकर उधर को उठाता हूं। नहीं मौसा जी प्लीज, आप ऐसा कुछ भी मत करिए प्लीज। आप मौसा जी जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार है प्लीज। हाँ पक्का। तो ठीक है, हमें भी वही चाहिए जो कमलेश को मिल रहा है। मौसा जी, आपको ये सोचते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। हर बेटी जैसी हो ना, बेटी तो नहीं हो। सोच लो, मेरा कहा मानना है या उदय के हाथों मरना है? अंकिता, ठंडे दिमाग से सोचो। अब बैठो यहाँ। देखो, अगर चाचा जी को ये सारी बातें पता चल गई ना, वो हम दोनों को सच में जान से मार डालेंगे, और उसके बाद ना ही हमारा जान बचेगा और ना ही ये प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी कमलेश। अरे फिर भी क्या, तुम रुको, तुम कहां चले? उधर दीवार पर मुंह करके खड़े हो जाओ। अंकिता, उदय जी, कमलेश और अंकिता का आपस में लफड़ा चल रहा है, मैंने आज रंगे हाथों पकड़ लिया, तुम मुझे पीटने लगे, वो तुम्हें भाग ही देता कि अच्छा हुआ आपने मुझ पे जा लिया। आज तो ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ना मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि मुझे तुझसे औलाद चाहिए,
वरना तेरी तो मैं आज जान ही दे देता। और मैं आज इस कमलेश को छोड़ूंगा नहीं। मैं सब खत्म हो गया, लेकिन लेकिन कमलेश कभी खत्म नहीं होगा। अंकिता हमारे साथ चलो। अंकिता हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। पर तुम तो वापस चले गए थे ना, तो तुम क्यों वापस आए? तुम्हारे लिए अंकिता और किसके लिए? ठीक है चलो चलो, लेकिन एक मिनट अंकिता, हम बाहर की दुनिया में रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? वो सब बाद में सोच लेंगे कमलेश, अभी तो इस नरक से बाहर निकले। अंकिता तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बाहर की दुनिया में हमें पैसों की जरूरत होगी। तो क्या करें? अंकिता वो गहने और पैसे कहाँ हैं? कहाँ हैं? वो इस अलमारी में है, लेकिन मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ चलो जल्दी चलो। एक मिनट, क्या हुआ अंकिता? जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो चलो। अब हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब कुछ दिनों के लिए यही हमारा आशियाना होगा। और उसके बाद? उसके बाद वो जेवर बेच देंगे और दिल्ली में जाके ऐश करेंगे। लेकिन कमलेश, इस तरह तो हमारे सारे पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अरे तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके उस चाचा का काम तमाम कर चुका हूँगा, और उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा बैग में से कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेके आता हूँ। हाँ। क्या हुआ? पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं है? क्या मतलब पैसे नहीं है? मैंने तो बैग में ही रखे थे। पर ये अगर बैग में रखे थे तुम गए कहाँ? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता? तुम ही तो बैग लेकर भाग रही थी ना। कमलेश हो सकता है भागते दौड़ते हुए कहीं गिर गए होंगे, बैग में चेन नहीं लगी थी। कहाँ गिरा के पैसे और जेवर? तुम्हें क्या जरूरत है उन पैसों की? हम दोनों है ना एक दूसरे के लिए। अरे हम दोनों एक दूसरे का चाट डालेंगे। जो पैसे ढूंढ कर लाओ। मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, पर ढूंढ कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे चाचा की डांट टपट खाता था, पर उसे चिपक कर रहा था। चाचा आज नहीं तो कल वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे चाचा के साथ दुश्मनी हो गई। तुम्हारी वजह से पैसे कमाने का सारा मौका भी मेरे हाथ से चला गया। इसके लिए ना सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी लालची नियत के बारे में पहले ही पता चल चुका था, और आज पैसों के लिए तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया।
और अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्या क्या कर लोगी तुम हैं? कुछ नहीं कर सकती तुम। मैं तो कर चुकी हूं, तुम्हारे चाचा को कॉल। और तुमने चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये सब इसका किया कराया है, इसने अपना जलवा दिखाकर ना मुझे आपके खिलाफ भड़काया चाचा जी। और देखिए ना, देखिए ना, मेरे खिलाफ डबल गेम खेल रही है। कमलेश, ये मेरी पत्नी है। तेरी चाची। सही किया आपने, इस घर के बेटी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। जी आज ना मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित हो गया है, और आपने मुझे माफ कर दिया ना। माफ, एकदम माफ। तुम ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा भतीजा कमलेश मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो अपने गले लगा लीजिए ना। संतान ना होने पर धोखे से अपनी पत्नियों को मार डाला था। उस दिन घर के पास में मुझे कोई दिखा था। आप कौन है? मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं उदय की दूसरी पत्नी विभावरी की दोस्त हूँ, और मुझे शक है कि उसकी दोनों पत्नियों के मौत के पीछे उदय का हाथ है। क्या? लेकिन वो क्यों मारेंगे अपनी पत्नियों को? यही तो मुझे भी जानना है, इसीलिए तो मुझे विभावरी का सारा सामान चेक करना है, ताकि मैं सबूत जुटा पाऊं उदय के खिलाफ। और मैं अंकिता, अगर मेरा शक सही है, उदय का अगला शिकार तुम। लेकिन अगर मुझे वजह पता चल गई तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बचा पाऊं। तो बोलो अंकिता, तुम साथ दोगी मेरा, करोगी मेरी मदद? आप कल उनके ऑफिस जाते वक्त आ जाइएगा। ये मुझे फंसाने की साजिश है। मैं क्यों करूंगा अपनी पत्नियों का खून? उनका ही नहीं तो मेरा भी खून कर देते, अगर तुम्हें मेरे से संतान नहीं मिलती तो, क्योंकि तुम नपुंसक हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। मैंने उस दिन डायरी में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखे थे, जो कि विभावरी ने तुमसे बिना पूछे करवाए थे। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की सच कह रही है। मैंने देखा, ये दोनों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, और तभी मैंने आपको कॉल किया। सर, इसी आदमी ने इस लड़की के पति को मारा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। झूठ, ये झूठ और सच का खेल हालात में जाकर खेलना। एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। तो चल यहाँ से।
सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी सब्जी, धनिया है, टमाटर है, भिंडी है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, मिर्चा है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। अरे वो सब्जी वाले भैया, रुको रुको, क्या क्या लाए हो आज? भिंडी है, कद्दू है, लौकी है, कटहल है, मिर्चा है, टमाटर है। भिंडी कैसे दिए? अरे दे दो मैडम जी, जो देना है 80 80 आधा किलो तोलना फिर। माजी माजी लौकी भी ले लीजिए ना। लौकी, लौकी तो ठीक ही लग रही है। ले लीजिए, अच्छी है, ताजी लौकी है। लौकी क्या हिसाब? आपको 50 की एक लगा दूंगा। भैया इतनी महंगी आप सब्जी दोगे? सब्जी बेच रहे हो कि सोना? हाँ सोना इतना सस्ता कहाँ है, खरीदने जाओ तो अच्छे अच्छे लोग रोड पर आ जाते हैं। हम ही को देख लो, पहले एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी, अब रोड पे ठेला चला रहे हैं। पूछेंगे नहीं काहे? तुम बिना बता के मानोगे क्या? अरे हम अपनी बीवी को गए थे तो उन्हें कंगन दिलाने और कंगन के दिलाने के चक्कर में हम भी रोड पे आ गए और साथ में ठेला भी आ गया। ये लो मैडम, और ठेले ले, चलो निकलो यहाँ से, और सब्जी नहीं चाहिए। काहे जुबान लड़ा पाए, चल निकल यहाँ से। चिल्ला काहे रहे, जा रहे हैं। मैडम पैसे ये लो पकड़ो, चलो 130 की है, चलो निकलो यहाँ से। 130 की है, मालूम है क्या कर रहे हैं? अजीब अजीब लोग सुबह सुबह बोनी कराने चले आते हैं। ये अचानक से सब्जी वाले को देखकर आपको हो क्या गया? उसे देखकर नहीं हुआ है, तुम दोनों को देखकर हो गया था, दिमाग फिर गया था मेरा। क्या? क्यों? किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह हंस-हंस कर बात करते हैं? आप भी क्या बात का बकवास? सफाई नहीं चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो अंदर। ये वाला ज्यादा जचेगा तुम पर, इसको पहन के तुम कॉलेज भी जा सकती हो। ये थोड़ा मॉडर्न नहीं हो जाएगा? नहीं तो इसी से मिलता जुलता मैंने अपने ही मोहल्ले में कितनों की बेटियों को पहनते हुए देखा है। पर बेटियों की बात और है माँ जी। क्यों भला, बहू भी तो बेटी ही जैसी होती है ना। आप जैसी सास कितनी कम होती है जो अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह लाड प्यार करती है। किसका फोन है? आपके बेटे का। तुम बात कर लो। जी बोलिए, कैसे हैं आप? और आज दिन में कैसे याद आ गई मेरी? छुट्टी है क्या आज आपकी? हाँ आज छुट्टी ली है। और बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप ये बताइए आप ऑफिस कब आ रहे हैं? बस जल्दी आ रहा हूँ, वो सिद्धार्थ नगर में एक फ्लैट लेने की बात चल रही है, जैसे पक्का हो जाता है आ जाऊंगा। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस अभी 3 महीने में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है, वो हो जाए तो मेरी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। ये हुई ना बात, अब तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा डिग्री हो जाएगी। मुझे डिग्री नहीं, नौकरी चाहिए। मैं जिंदगी भर एक 4 दीवारी में बंद होकर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, बस मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए। एक्सक्यूज मी। ओह हाय, माय नेम इज राहुल एंड आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस टू लिव इन एज अ पेइंग गेस्ट।
बेटा कौन है? माँ जी कहिए। वो दरअसल मैं आपके यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग पीजी नहीं रखते, बहुत झंझट वाला काम। आंटी सुनिए तो, मैं परेशान नहीं करूँगा आपको, मैं जॉब करने वाला आदमी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता हूँ और रेंट पे एडवांस दूंगा। आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे सीखनी है, बहुत शौक है मुझे। और आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी लगती है इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, तुम तो जानती हो घर का माहौल, और फिर अपने पापा जी को क्या बोलोगी? बोल दीजिएगा कि मैं आपके किसी रिश्तेदार के गांव का या पहचान का हूँ। माँ जी एक सेकंड, माँ जी अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मैं इंग्लिश भी सीख सकती हूँ, आपको तो पता है पापा जी मुझे बाहर ट्यूशन लेने नहीं जाने देते। अच्छा ठीक, तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन 10,000 महीना लगेगा, वो भी एडवांस। हाँ हाँ ठीक है ना। थैंक यू आंटी, थैंक यू भाभी। अच्छा मेरा कमरा किधर है? ये इधर से ऊपर आओ। अरे आ गए आप। जी बाबूजी। बेटा एक कप चाय लाना। जी। सब मत दोगे। भाभी, एक कप चाय मेरे लिए भी। ये कौन है? वो मेरी लखनऊ वाली मामी जी है ना? ये उन्हीं के गांव का है। यहाँ पे नौकरी लगी है तो कुछ लोग के लिए हमारे घर में रहने के लिए आ गए। आप आइए, मैं बताती हूँ आपको। तुम चाय बनाओ। मुझको तुम्हारी कोई राम कहानी नहीं सुननी है, उसको पीजी क्यों रखा तुमने? पहचान का था और पैसे भी अच्छे दे रहा था तो इसलिए रख लिया। अच्छा, पैसे के लालच में आकर तुमने रखा। तुम्हारा पति बैंक में नौकरी करता है और बेटा दुबई में नौकरी करता है, तभी तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं? नहीं, पैसे के लिए नहीं रखा। आपको तो पता है ना कि बहू को अंग्रेजी सीखने का और बोलने का कितना शौक है, तो राहुल ने वादा किया है कि वो बहू को अंग्रेजी सिखा देगा अच्छे से, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी हो। मुझे ये बहू के आसपास भी नहीं चाहिए। एक बात सुनो, एक दिन उसकी मेहमान नवाजी हो गई है ना, तो उससे वो कल के कल एक घर छोड़ चला जाए। सुनिए ना, तो एक महीने रह लें दीजिए। वो क्या है ना कि मैं एक तो जान पहचान का है और ऊपर से मैं एक महीने का किराया ले चुकी हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं। जी ठीक है। भाभी क्या खाना बना, किसी 5-star होटल में भी इतना शानदार खाना नहीं मिलता। इस पनीर की ना मेरे को रेसिपी भेज दीजिए, मैं अपनी माँ को भेज दूँ। बेटे आदत में इतनी बातें नहीं करते। जी भाभी, इस पनीर की रेसिपी मुझे याद से भेज दीजिएगा, ऐसा पनीर मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, इतना टेस्टी है।
आप लोगों को तो रोज मिलता होगा ना इतना टेस्टी खाना। हाउ लकी यू आर। देखो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम प्रिया को ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, लेकिन यही एक लौटी वजह थी जिसकी वजह से हमने तुमको यहाँ पे रहने दिया था, तो इसलिए अब तुम प्रिया को ट्यूशन इनकी गैर हाजिरी में पढ़ाओगे सवेरे 9 से 5 बजे के बीच। क्योंकि यही वो समय है जब ये अपने ऑफिस में रहते हैं। लेकिन आंटी उस दौरान तो मैं जॉब पर होता हूँ, फिर ये कैसे मुमकिन है? तो फिर कब पढ़ाओगे? मैं रात को पढ़ा सकता हूँ, वैसे भी मैं 12 बजे से पहले सोता कहाँ हूँ। हाँ तो ठीक है 11 से 12 पढ़ा देना ठीक रहेगा। पर माँ जी पापा जी। अरे तुम्हारे पापा जी 10-10:30 बजे तक सो जाते हैं, बाकी का मैं संभाल लूंगी, तुम मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू माँ जी। हाय 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 बैठी। क्या हुआ ट्यूशन शुरू करें? आप भी बैठेंगे? हाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या होगी। तो शुरू करो। ग्रामर की बुक निकाली। हाँ। रजिस्टर लाए हो? काम था क्या?
आपको? हाँ लेकिन बाद में आता हूँ, आप नहा लीजिए। Tell me what is present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. Good. Mamta. Mamta. The present perfect continuous is formed by the construction of has and have been. तुम लोग जारी रखो, मैं चलती हूँ। कंटिन्यू करो। वो मैं ऊपर बाथरूम तक गई थी अपने वाले बाथरूम में, और इस बारे में पानी नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए ऊपर चली गई थी। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हाँ मेरे बिना आपको नींद नहीं आ रही है क्या? चलिए क्या हुआ, चलिए आइए आइए। फिर तो एक ही तरीका बचा है, आप उन्हीं के पास रहिए और जब तक ट्यूशन खत्म नहीं हो जाता आप उन्हें उलझा कर रखिए। नहीं, मैं
बहू को अकेला नहीं छोड़ सकती, और फिर ये कोई परमानेंट हल तो है नहीं। एक काम करते हैं, तुम ही रोज रात को नीचे आ जाया करो बहू के कमरे में उसको पढ़ाने के लिए, और उसी वक्त मैं भी आ जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, फिर कभी पापा जी आपको बिस्तर पर ना पाकर ढूंढने निकले तो? तो उसकी चिंता ना कर, उसका परमानेंट हल मैं निकाल लूंगी। बहू को पिछले कई रातों से डरावने सपने आ रहे हैं, तो वो चाह रही थी कि मैं उसके साथ सोऊं। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो तरुण आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। The future perfect tense refers to a completed action in the future. When we use this tense, we are projecting ourselves forwarded into the future and at looking at the action that will be completed sometime later than now. Okay? It is most often used with time expression. Baki ke example hum kal karte hain. बोल। वो बस ऐसे ही। कमीने, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ मेरी बहू के ऊपर तेरी गंदी नजर है। क्या कर रहा था माँ? वो बस मैं ऐसे ही। वो क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसको, मैंने बुलाया था उसको। अच्छा, मेरी पीठ के पीछे ये सब चल रहा है? इस लड़के के साथ रात गुजार रही हो तुम दोनों? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे, ये इसको ट्यूशन पढ़ाता है और मैं प्रिया को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए इसके साथ रहती हूँ। अच्छी कहानी बनाई है तुम दोनों ने। कहानी नहीं अंकल जी, हकीकत है। मैं बस उसे ट्यूशन पढ़ाने ही आता हूँ। आपके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया है। चुप! एक भी शब्द मत बोलना मेरे परिवार के बारे में। तू है ही घटिया आदमी। उसे गलती हो गई थी जो शुरू में ही तुझे धक्के मारकर घर से नहीं निकाला, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। चल निकल, निकल मेरे घर से बाहर। हाथ हटाइए अंकल जी, खुद ही चला जाऊंगा मैं। मुझे भी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो मानसिक रोगी हो। आज के बाद ये लड़का इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। और ये लड़का क्या? कोई भी गैर मर्द इस घर के अंदर आ जाना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी। घर पे कोई है नहीं क्या? अरे पापा जी तो काम पर गए हैं इस टाइम, और माँ जी यही मोहल्ले में गई हैं, बस एक दो घंटे में आएंगी। एक दो घंटे में? मतलब इतनी देर में तो काफी कुछ तूफानी कर सकते हैं। अच्छा वो सिद्धार्थ नगर में जो फ्लैट की बात चल रही थी उसका क्या हुआ? पॉजिटिव ही है एक्चुअली, एक दो दिन बाद जाके देख लेता हूँ, अगर समझ में आता है ठीक है ले लेंगे। वैसे अगर आप फ्री हैं तो बता दीजिएगा, साथ में चल लेंगे, आप भी देख लीजिएगा उसे। देखता हूँ। वैसे नया फ्लैट लेने के बाद यहाँ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना। ये तो है, छोड़े ना पापा, किरायेदार रख लेंगे। नहीं, कोई किरायेदार नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। वो क्या ना कि मेरा बैंक पास पे ही है, मुझे आने जाने में आसानी रहेगी। ठीक है तो फिर मैं और प्रिया शिफ्ट हो जाएंगे, और मेरे दुबई जाने के बाद हम ही आते जाते रहेंगे। मैं तेरे साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। अरे
वो मिलेगा ना हम लोगों को उस एरिया में? हाँ हाँ मिलेगा ना। कौन मिलेगा तुम दोनों को? तो लड़का राहुल। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों तो पार्लर की बात कर रहे थे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप अपना दिमाग चलाना कम कीजिए। हम लोग पार्लर की ही बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ स्नैपलेट में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये अचानक क्या हुआ पापा? आप तो यहीं रुकने वाले थे। हाँ लेकिन मैंने सोचा कि अकेला कैसे मैनेज करूंगा, और फिर मेरा मन भी तो नहीं लगेगा। यहाँ कोई किराया रख दीजिए। ठीक है, जैसा आप सही समझे। वैसे तुमने फ्लैट देखा, कैसा लगा? अच्छा है। और आज इसको बुलाया भी है, शायद पेपर लेके आ भी जाए। आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे सीखनी है, बहुत शौक है मुझे। और आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी लगती है इंग्लिश में। कैसे भी करके उससे मिलना होगा। लगा था कि पापा जी साथ नहीं रहेंगे तो थोड़ी बंदिशें कम होंगी, लेकिन अब तो वो भी शिफ्ट हो रहे हैं हमारे साथ उस नए फ्लैट में।
तू चिंता मत कर, उनके मन में हम दोनों को लेकर कुछ वहम हो गया है। कुछ दिन साथ रहेंगे और उसके बाद मैं खुद उनको लेकर यहाँ चली आऊंगी और फिर दोनों घर आती जाती रहूंगी। देखो जरा कौन आया है। हाँ। राहुल तुम? वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। हाँ? अरे राहुल तुम आओ ना, अंदर आओ। अंकल जी। अरे घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। उस दिन मैं आप लोगों से माफी भी नहीं मांग पाया। मेरी वजह से अंकल जी ने आप लोगों को क्या कुछ बोला होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राहुल, उल्टा मुझे लगता है माफी तो हम लोगों को मांगनी चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें कितना बेइज्जत होना पड़ा। वैसे तो तुम अब शादी कर लो तो कोई शक ही नहीं करेगा। अब तुम्हारे जैसी कोई मिलेगी तो करूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भाग कहाँ रहा है कमीने? मैंने तुझसे कहा था ना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए उसको। क्या? छोड़िए उसको। चला। मेरे घर की बहू बेटियों पर नजर डालेगा। सच बोला तुमने, असली गुनहगार तो तुम और तुम्हारी बहू है जिसने मेरे घर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला डाली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब तुम इस लायक नहीं रहोगे। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामने और कोई रास्ता नहीं था बेटा। प्रिया, प्रिया, प्रिया। दरवाजा खोल कमीने। साला मेरी बहू बेटियों के साथ झगड़े बनाता है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। खोल। हेलो पुलिस स्टेशन। ए लेके जाने इसको और बॉडी वॉश वाले भी भिजवा देते हैं। चल।